कुछ तो स्पेशल है भाई, कुछ तो स्पेशल, कुछ तो है भाई। बाहर शुरू कर दी इन्होंने हमारी क्या की, बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया, 4 घंटे से बैठे हुए। अब जाके हमारे बैर आई है, सो टाइम देख सकते हैं आप। तो आप देख सकते हैं कुछ ऐसे लग रही है भी मेरे बेबी, मतलब बिना टायर के वो टायर निकाल दिया। मार्केट से मार्क कर रहे हैं और देखो कटिंग होने के बाद यहाँ फिटिंग होगी। फाइनल लुक है कुछ ऐसा है, लास्ट में कुछ टपे बचे ऊपर के और इसमें थोड़ा फीलिंग अच्छी हो जाए मस्त। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसके ब्लॉग। और आज का ब्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हम अपनी बेब को मेक ओवर कर रहे हैं पूरा, मतलब आज हम इसकी रैपिंग कराने जा रहे हैं। आप अभी इसे कंडीशन देख लिए कैसी है, मतलब रेड एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन है। मतलब मैंने चला लिया पूरा, 8-9 महीने हो गया मैंने चला लिया। अब थोड़ा मैंने सोचा कुछ अलग किया जाए इसके साथ, तो मतलब इस पर थोड़ा अब ब्लैक पूरी शाइनिंग ब्लैक रैपिंग करा देंगे, फुल ब्लैक। तो अभी हम जा रहे हैं 21 सेकंड चंडीगढ़ के, वहाँ से रैपिंग स्टोर है वहाँ पर अच्छे अच्छे, तो वहाँ पर रैपिंग कराएंगे। तो वो देखो दो लंगूर बैठे हो वहाँ पर और किन के साथ चलने वाले हम हमारी बेब का पूरा मेक ओवर कर देंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। रैपिंग मार्केट यहाँ कराएंगे अपनी रैपिंग, हम खड़ी कर रहे हैं भाई, देखते किसकी शॉप में कराए। गाइस अब हमने अपने एक्टिव में छोड़ दिए भाई के पास, ये शॉप है भाई की 21 में, तो कह रहे थोड़ा वेट करना पड़ेगा। वेट करने के बाद हम इनको समझा दे कौन सा बता दे कैसे लेना, तो उस हिसाब से पूरा कर देंगे ब्लैक। तो वो अभी भाई वहाँ पर अपनी रैपिंग कर रहा है, उसके बाद हमारी एक्टिव के बजे तो थोड़ा हम घूम घाम कह रहे हैं। सो गाइस अभी एक अपडेट और आई है कि जो मैंने अप्रीला का मडगार्ड लगाया था अपने एंटर में इंस्टॉल करने के लिए, वो मेरे घर पे ऑर्डर आ चुका है, भैया का कॉल आया था अभी, तो मैंने अपने भाई को भेज दिया घर पे लाने के लिए उसे। और उसे हम अपनी देखो आर्म बैक पेड़ इसके पीछे हमारी बेटी है, उसने आज वो भी इंस्टॉल करा देंगे और पूरा लुक दिखाएंगे आपको कैसा कैसा लुक आ रहा है, मतलब बेहतरीन। मतलब आज सब चीज़ अच्छी हो रही है प्लान वाइज की, अब अप्रीला का मडगार्ड भी आ गया, रैपिंग भी है, मतलब खर्चा भी उतना होगा, लेकिन आपको दिखाएंगे मेरी गाड़ी कैसी तगड़ी लगेगी, तो आपको आगे दिखाते हैं। हमारा टाइम लगेगा अभी कुछ, अभी बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, उसके बाद हमारा नंबर आने वाला है, स्टार्ट बाय गाइस। तो हमारा ऑर्डर आ गया है अप्रीला का फ्रंट मड गार्ड, जल्दी आओ, जल्दी ला यार, कुछ तो स्पेशल भाई, कुछ तो स्पेशल, कुछ तो है भाई। ओ आ गया दिखा दिखा, फाड़ दे पूरा फाड़ दे, बोल ले। चलो भाई आ गया हमारा अप्रीला का, ओ हट जा, फ्रंट मड गार्ड आ गया माइस पे हमारा लगेगा यहाँ, क्योंकि यहाँ फिटिंग होगी, फिटिंग करानी पड़ेगी इसकी, थोड़ी तब लुक आएगी। फिर फाड़ शुरू कर दी इन्होंने हमारी क्या की, निकालो निकालो निकालो, पैसे बचेंगे निकालने के, पैसे लेते ना, पैसे बचेंगे। 3 hours later बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया, 4 घंटे से बैठे हुए। अब जाके हमारे बैर आई है, सो टाइम देख सकते हैं आप। तो अब साइड से अब शुरू हो जाएगी रैपिंग, देखो पूरी हमने उतार दिया, आगे का टिंट कराया था अरे सब उतार दिया, अब साइज शुरू हो जाएगी हमारे। फुल बॉक्स तो भी चल रही है, मोटिवेशन करने आए थे, क्या हुआ कैसा लग रहा है भाई? 4 घंटे वेट करके अब बारी आई हमारे भैया, 4 घंटे आई, तो आपको सकते इतना बुरा हालत हुआ, बारिश का मौसम हो गया बाहर, तो आप जाके देखो पूरा स्टॉक कर दिया है अभी, मतलब पीपीएफ लगाओ सब उतार दिया है। तो भाई अब शुरू हो चुका है रैपिंग, स्टार्ट है, स्टार्ट होती है। गाइस अभी हमारा काम होता है सिर्फ आगे का, ब्लैक ब्लैक कंप्लीट हुआ, देखो फुल्ली ब्लैक आगे का कंप्लीट हो चुका है, पीछे का रह गया अभी थोड़ा बहुत, अब शॉप क्लोज होने वाली है, अंकल कह रहे हैं कल आगे का आधा करा लेना, हम अभी आगे का आधा करा रहे हैं, पीछे का रह गया, तो अब इसका मडगार्ड चेंज कराना रह गया, बस इसका मडगार्ड हम कराएंगे वहाँ पर एक शॉप है पीछे, उन लोगों से खुली तो उसका मडगार्ड चेंज करा लेंगे उसके बाद, और बाकी का रैपिंग कल करेंगे हम लोग, तो कल मिलेंगे गाइस। अपनी मडगार्ड के लिए ये इसी की का स्टोर था, हमें इसे मडगार्ड फिट कराएंगे, पहले उसका निकालना पड़ेगा, उसके निकालने के बाद ये आएगा। लेट्स स्टार्ट, पूरा आगे का चक्का खुलने वाला है, आ रहा है इसकी लुक चेक करो गाइस, बिना टायर के भी जैसे लगती है, टायर निकाल दिया भाई ने पूरा, थोड़ी इसकी मडगार्ड की थोड़ी कटिंग होने के बाद से फिट होगा, तो आपको पूरा मैं एंड में दिखाता हूँ। लेट्स गो, बिना उसके भी मतलब बिना मडगार्ड लगाए भी इतनी सेक्सी लग रही है अभी, वो देखो आप, अरे जब इसके ऊपर मडगार्ड लगेगा तो कितनी सेक्सी लगने वाली है, आप खुद नोटिस करो, तो देखेंगे आगे कैसे गया था मडगार्ड। मार्केट से मार्क कर रहे हैं और देखो कटिंग होने के बाद यहाँ फिटिंग होगी, पूरा सिस्टम तैयार कर रहे हैं यार, बस काट देना भैया तगड़े तरीके से, पीस पीस निकलने के बाद अब फिट होगा पूरा प्रॉपर, साइडों से भी काटती है, इतना आपको काटना ही पड़ेगा, अगर आपको एंटोर्प में अप्रैल का लगाना है मटका तो उतना आपको काटना ही पड़ेगा, ये श्योरिटी है ना भैया, थोड़ा मटका रहते तो कुछ ऐसे ऐसे आ जाएगा, देखो इसका ना इतना तो आपको काटना ही पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पर ये कुछ ऐसे अंदर की तरफ, तो लुक देखो आप, दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा,
लुक कुछ ऐसा आने वाला है आपके एंटर का। तो अभी फिटिंग करके और इसके डे शॉट देंगे, अभी रात को तो नहीं, हम डे में शॉट लेंगे इसका। ओके गाइस बाय। नेक्स्ट डे गाइस, आज है दूसरा दिन हमारे रैपिंग का, हमारी बेबी के रैपिंग का दूसरा दिन है आज। कल लेट हो गए थे हम, तो दोबारा हम स्विच शॉर पर आए रैपिंग कराने। तो आज तो पूरी कराई लेनी है, हाँ, तो आज पूरी ब्लैक कर देंगे। कल देखिए आधा लुक देखिए, आप चेक करो, हमने कल शाम को भी लगा लिया था, इसमें मड गार्ड भी इतना सेक्सी लग रहा है। आगे का पूरा ऑल ब्लैक हो चुका है, अब पीछे का रह गया पार्ट, उसे कंप्लीट करके आज चलेंगे यार। और एक बात और, आज मेरे कॉलेज की छुट्टी मारी है, बंक मारा एक तरह से इसके लिए, तो घर पर लगे तो फाड़ के रख देंगे। ये देखो विवेक भी आ रखा है हमारे साथ, तो क्या करना चाहेंगे आप, अच्छी लग रही है। अंकल आज तो पूरा कंप्लीट कर देना यार। ऐसे आ रही है एक साइड का पेरिंग जुड़ने वाला, बस सबसे दिक्कत वहाँ आती है, जैसे उनकी रेड लाइन है ना, वहाँ बहुत दिक्कत आती है टेकिंग करने में। तो बाइक वहाँ पर निकाल रहा लगा रहा था, दिक्कत बहुत आ रही है। पर उस साइड का लुक चेक कर रहा है, उस साइड का लुक तो परफेक्ट हुआ है, बस मतलब अच्छा लग रहा है एक नंबर। इस साइड की बहुत दिक्कत आ रही है, तो होपली जल्दी हो जाए, हो ही जाएगा मेरे ख्याल से, तो कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। आगे देख मिलते हैं, भूख लग गई थी खड़े खड़े। तो आज मैं पार्टी दे रहा हूँ कि मैंने रैपिंग कराया है, तो वो हमारी बाइक हमारी रैपिंग हो रही है। हम यहाँ खाने खाए, भूख लगी थी गाइस, सच में कुछ खाया नहीं था। तो क्या क्या ऑर्डर किया भाई तूने? अंडा परोठा भाई। हाँ तो अंडा परोठा खाएंगे अंकल की स्पेशल, तगड़ा सा बना देना अंकल। फाइनल लुक है कुछ ऐसा है, लास्ट के कुछ टप्पे बचे ऊपर के, और इसमें थोड़ा रंग बिरंग कलर का और थोड़ा देखो ब्लैक में दूसरे दिखाता हूँ। पूरी ब्लैक हो गई है, बस अब थोड़ा सा रह गया नीचे, यहाँ पर फोक पे भी हमने इसमें गोल्डन कराने, इसलिए उतार दिया मैंने, यही उतार करके साइड पर, बस ख़त्म होने वाला काम, आधे घंटे काम बचाओ, उसके बाद चेक करूँगा फाइनल लुक आपको। सारा काम खत्म हो जाएगा, बस लास्ट में टंकी का छोड़ देते हैं लोगों ने, टंकी का, और मैं उधर टेक्स्ट में ब्लैकआउट लिखाने वाला हूँ, थोड़ा इस साइड को ब्लैकआउट आ जाएगा, लेकिन कितना ऑसम लगेगा आप चेक करना उस व्यू को। तो अपनी वो ब्लैकआउट लिखा हुआ है मैं, वो शुरू हो गया टेक्स्ट प्रिंट होना, प्रिंट होने के बाद वो यहाँ लगेगा, यहाँ पर देखा कितना ऑसम लगेगा। फाइनल लुक दिखाएंगे आपको जब एस आई डी देंगे तब। तो अपना ब्लैकआउट लोगों को इस तरह दिखने वाला है, अभी ऐसा लग रहा मस्त, आगे होता है कि तगड़ा लगने वाला लुक होगी। हेडलाइट की रैपिंग, हमने हेडलाइट में सोचा था कि वो ब्लू और वो रेड टोन आता ना, तो वो कराने का, पर वो यार थोड़ी सी ना वाइट घर जचेगा नहीं, तो हमने इसको ना वो ही करा दे, ब्लैक ही करा रहे इसको, स्मोक ब्लैक है, चेक करो ब्लैक आउट, अब स्मोक ब्लैक इसको होगा। तो गाइस आप लोग रेडी हो मेरी पूरी न्यू बेबी को देखने के लिए? 3, 2, 1 एंड गो। चेक करो लुक, चेक करो आप कैसे आ रही है अभी, बस का वो स्लाइडर जो है उसको गोल्डन कराना, और जो रेड रेड दिख रहा है उसको वाइट कराना रह गया, बाकी सब कंप्लीट हो गया इसका। ये देखो आपको मेरी धन्नो मैं या बेबी कुछ ही बोलो, कैसे लगी कमेंट करके बताओ। अगर आपका ऐसी मोटिवेशन पता है मुझे फॉलो कर लो, अगर इसके आगे थोड़ी बहुत छोटी मोटी मोटिवेशन और आएगी आपके हाथ, प्लीज़ फॉलो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइस। तो अगर आपको इन सबको प्राइस जानना है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, और ऐसे नीचे आ रहा हो कितना प्राइस है इन सबका, चेक कर लेना। बाय गाइस।